स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके और हमारे मुलाकात के पीछे का पर्पस, एग्जाम के समय में हर बच्चे के मन में एक डर बना रहता है। हर बच्चा यह सोचता है कि अब समय आ गया है जब मुझे यह बताना होगा कि मैंने किस तरह से पढ़ाई की, मैं कैसे स्कोर ज्यादा करूं, अपनी बातें जो मैंने अभी तक सीखी है उनको कैसे आगे प्रेजेंट करूं। यही वो समय जब हर बच्चे के मन में दिसंबर आते आते ये फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, अब दिन पास आ गए और अब हम दूर नहीं जा सकते। मन में बड़े ख्याल, चिंता, तनाव और ये डर भी कि अब कैसे किया जाए प्रिपरेशन, अब तैयारी कैसे की जाए। कई बच्चे तो इतने कलाकार स्टूडेंट्स होते हैं कि उन्होंने साल भर पूरा एंजॉयमेंट किया होता है। उनको लगता है कि बस क्या है जिंदगी, पढ़ने के लिए मिली है क्या, जिंदगी मिले ना दोबारा, पढ़ तो बाद में भी लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने साल भर तक कुछ नहीं किया, उनके मन में ख्याल चल रहा है अब क्या करें, कम टाइम ही बचा है। हम चाहते हैं कुछ अच्छा करना, हम चाहते हैं परफॉर्म करना, पर क्या आप पॉसिबल है, क्या इस समय पॉसिबल है कि आप हम तैयारी करें और तैयारी करके स्कोर अच्छा ला पाए। देखिए, आपके मन में अगर ये प्रश्न चल रहे हैं, आपके मन में अगर चिंता है, आपको लगता है कि आज से पढ़ाई करके मैं महाराष्ट्र सिटी में स्कोर कर पाऊंगा क्या, अगर आपको लगता है कि मैं आज से पढ़ाई करके बोर्ड की एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा क्या, और अगर आपको लगता है कि आज से मैं शुरू करके जेडब्ल्यू मेंस की एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा, क्या मैं आज से शुरू करके नीट की एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा, अगर यह आपके मन में है तो आप बने रहिए मेरे साथ में, आखिरी तक जुड़े रहिए। और मैं दावा करता हूं कि आखिरी तक जुड़े रहने के बाद में आपको ये बिल्कुल इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं कि हां यह पॉसिबल है कि अगर अभी भी आप यहां से वर्कआउट करना शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता क्या रैंक आ सकती है, मुझे नहीं पता कितना स्कोर ला पाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ में काम करते हुए आप आज से एग्जाम की डेट तक कम से कम वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की। रातों रात जादूगरी कभी होती नहीं, दो साल का सिलेबस कभी ऐसा होता नहीं कि आप बहुत जल्दी कवर कर पाते हैं। यह बात भी मानी जानी चाहिए कि जो बच्चे हमसे पहले शुरू कर चुके हैं डेफिनेटली हमसे आगे आ चुके होंगे, ये चिंता आपके मन में निश्चित इस समय चल रही है। और मुझे यह भी पता है ये चिंता डर में बदल गई है, और ये डर के कारण अब आप जब पढ़ने भी बैठते हैं तो हो सकता है पढ़ते समय आपके मन में ये बात बार 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 खाए जा रही है, बताई जा रही है कि अब क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर स्कोर मोड करते समय आपके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आप लोगों को फील हो रहे हैं। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कहना था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी कि देखने से पहले हम क्या सोचते हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें क्या दिखता है। देखने से पहले हम क्या सोचते हैं इस बात पर डिपेंड करता है हमें क्या दिखता है। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में जो भी हमें दिख रहा है, जो भी चीज आज आप देख रहे हो, जो भी चीज आज आप महसूस कर रहे हो, वो सबसे पहले आप सोच चुके हो, और जो आप सोच चुके हो वही आप देख रहे हो। जब आप जो देख रहे हो अगर वो सब आपके हाथ में है तो आप प्रॉब्लम देख रहे हो आप या चैलेंजेस देख रहे हो। देखिए, एक ही समय में आपको नजर आ रहा है कि मुझसे नहीं हो सकता, और एक ही समय में एक बच्चा कह सकता है गया ही क्या है, बचा ही गया ही क्या है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक समय में आप कह रहे हैं कैसे होगा या बड़ी चिंता है, बहुत कम टाइम बचा है, और एक समय में एक बच्चा सोच रहा है कि भाई टाइम से क्या मतलब है, 365 दिन साल में होते हैं, किसने कहा है, कौन कहता है कि 365 दिन साल में होते हैं, बिल्कुल नहीं, साल में तो उतने ही दिन होते हैं जितने कि मैंने मेरे टारगेट के लिए यूज किए। मतलब क्या, 365 दिन आपके पास थे, और मान लीजिए किसी ने 365 में से 365 दिन कोई काम नहीं किया जिससे कि उसको वो चाहिए और वो मिलने के लिए जो चीज वो चाहता है उसके लिए कोई काम नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता वो 365 दिन थे। मुझे लगता है कि अगर किसी बच्चे ने 5 दिन काम किया जिससे जो वो चाहता था उसके लिए, तो उसके लिए 5 दिन बहुत है और उसकी एक्चुअल प्रिपरेशन 5 ही दिन है। तो एक बच्चा कहता है कि बहुत कम समय बचा है, और दूसरा बच्चा यह सोचता है कि यार जितना समय बचा है ना, अगर उसमें पूरी ताकत पूरी शिद्दत के साथ काम करूं ना, तो पक्का भरोसा है मुझे, पक्का भरोसा है कि ये 35 दिन
ये 36 दिन साल के 300 दिन को बीट कर सकते हैं, ये आगे आने वाले 2 महीने, ये आगे आने वाले 4 महीने मेरी जिंदगी के गोल्डन पीरियड को बदल सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी का सुनहरा ये जो मेरे सामने अवसर है मैं इसे बिल्कुल साबित करके दिखा सकता हूं। पता है बच्चों समस्या क्या है? समस्या ये कि आप समस्या को समस्या समझ लेते हो, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप उसे प्रॉब्लम मान लेते हो, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप ये मान लेते हो कि नहीं हो सकता, ये समस्या है। अगर आप इसको इस नजरिए से देखो, अच्छा कितना सिलेबस पढ़ना होगा, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी होगी, आगे क्या पढ़ना होगा, जो बच्चे अच्छा स्कोर आज तक किए उन्होंने क्या किया, जो जिन बच्चों ने अच्छा रैंक लाया उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया उन्होंने किन किन बुक्स को फॉलो किया, उन्होंने किस बात पे ज्यादा फोकस किया, उन्होंने पढ़ने पे फोकस किया या परफॉर्मेंस देने पर फोकस किया। ये सब प्रश्नों के जवाब आप बने रहिए साथ में, आपको इन बातों के समाधान डेफिनेटली मिलने वाले हैं। देखिए ऐसा कहा जाता है जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जितने भी बड़े विनर्स हुए हैं, जितने भी बड़े प्लेयर्स हुए हैं, जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं और जितने भी बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, वो हर चीज के पीछे हर बात को हासिल करने से पहले वो कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो क्या होता है, सोचो सोचो क्या होता है। डेफिनेटली आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कोई भी चीज अचीव करने के पीछे। देखिए सब लोग कहते हैं कि कोई भी चीज अचीव करने के पीछे आपकी डिजायर इंपॉर्टेंट होती है, आपकी इच्छा इंपॉर्टेंट होती है, आपकी इच्छा वो सबसे बड़ी चीज होती है जिसके दम पे आप कुछ भी हासिल कर पाएंगे। तो देखिए अगर अभी भी 4 महीने में आपकी इच्छा है कि आप कुछ करना चाहेंगे, अच्छा स्कोर करना चाहेंगे, तो ये पॉसिबल है। वो स्कोर तो पॉसिबल है कम से कम जो आज आप नकारात्मक नजरिए से हासिल नहीं कर सकते। अगर आपकी इच्छा है तो अब इच्छा के बाद दूसरा एलिमेंट जो आता है सक्सेस के लिए बड़ा महत्व रखता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा बड़े बड़े लोग, ऐसे ऐसे बड़े बड़े एंटरप्रेनर, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं मेरे साथ साथ, बहुत बड़े बड़े लोगों के विचार ये कहते हैं कि सफलता में सबसे बड़ा रोल इच्छा के बाद आपकी स्ट्रेटेजी का होता है। स्ट्रेटेजी मतलब क्या करना और क्या नहीं करना। बच्चे क्या करना की लिस्ट तैयार करते हैं लेकिन क्या नहीं करना है इसकी लिस्ट कभी तैयार नहीं करते। इंटरेस्टिंग बात यह है, क्या नहीं करना है यह जब मालूम होता है तो क्या करना है इस पर आपका फोकस और बढ़ जाता है। तो स्ट्रेटेजिकली आप जितना बेहतर सिलेबस को प्लान कर सके, आप उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस कर सकें जिनके आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, आप उन टॉपिक को छोड़ सकें जिनको कितना भी कर लो फर्क कुछ पड़ने नहीं वाला, आप उन टॉपिक पे फोकस कर सकें कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हो जाए, आप उन टॉपिक पे फोकस करें कि जिनसे फिजिक्स के साथ साथ आपको केमिस्ट्री का अलाइनमेंट मिल सके, तो निश्चित मैं कहता हूं समय कम और परिणाम ज्यादा, समय कम और परिणाम ज्यादा। एक आज मेरा है आपसे यह वादा, समय कम परिणाम ज्यादा, एक आप आज से मेरा यह वादा, आप मानिए इस बात को, बनाइए एक राइट स्ट्रेटेजी और देखिए उसका चमत्कार क्या जबरदस्त होता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा हर वो सक्सेसफुल पर्सन कहता है मेरे साथ साथ कि अगर आप अपने प्लान को, अपने प्लानिंग को, अपनी स्ट्रेटेजी को केवल और केवल हवा का गुब्बारा बना के रखें ना, केवल हवा का गुब्बारा, तो वो गुब्बारा कहां जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक कागज पे चीजें नहीं होती, जब तक कागज पे चीजें नहीं होती, जब तक पेपर पे चीजें नहीं होती, ये पॉसिबल ही नहीं होता कि आप बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सके। देखिए आपकी डिजायर पेपर पे होना चाहिए, कितने मार्क्स लाना है पेपर पे होना चाहिए, मार्क्स लाने के लिए क्या क्या करना है पेपर पे होना चाहिए, क्या नहीं करना है यह भी पेपर पे होना चाहिए, कौन सा पोर्शन नहीं पढ़ना है यह पेपर पे होना चाहिए, कितना पोर्शन पढ़ना है यह पेपर पे होना चाहिए। ऐसा सब ऐसा प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन का काफी, प्रीवियस ईयर पेपर्स का काफी रोल होता है। तो आइए पहले समझते हैं कि अगर हम बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो 2021 की एग्जामिनेशन के लिए या आगे आने वाली एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस किस तरह से डिजाइन किया गया है और उस सिलेबस में हम लोग क्या क्या वर्कआउट किए। पहला रोटेशनल मोशन चैप्टर आपके सामने अवेलेबल मौजूद है। यहां पर मैं 2 बातें करूंगा, आपके पास में एक सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूंगा और सिलेबस के साथ साथ 2021 की एग्जामिनेशन के लिए, 2021 की एग्जामिनेशन के लिए जो टॉपिक रिड्यूस सिलेबस के अंतर्गत बनाए गए हैं उन टॉपिक के बारे में भी हम बात करेंगे।
यहां पर स्क्रीन पर जब आप जहां पर आपको रेड कलर से शेडेड पोर्शन मिलेगा, इसका मतलब आपको समझना है कि यह पोर्शन रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा है। दिस पोर्शन इज पार्ट ऑफ द रिड्यूस सिलेबस। देखिए यहां पर आप देखेंगे कि आपको टोटल मिलाकर जितने टॉपिक्स अवेलेबल हैं, लगभग रोटेशनल मोशन में आपको 26 टॉपिक्स या कह लीजिए 26 सीरियल नंबर, मतलब ये कह सकते हैं हम, इतने सारे टॉपिक्स आपके पास में अवेलेबल है, जिसमें से रोलिंग मोशन का पोर्शन, स्फीयर ऑफ डेथ का पोर्शन, वर्टिकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर द ब्रिज, व्हीकल मतलब जब व्हीकल कॉन्वेक्स ब्रिज से जा रहा होता है, ये रिड्यूस सिलेबस के अंतर्गत कम किया गया है। रोटेशनल मोशन में कई बार बच्चों के मन में प्रश्न आता है, सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए रोटेशनल मोशन में अगर बोर्ड के नजरिए से देखा जाए तो कोनिकल पेंडुलम एक ऐसा टॉपिक है जो काफी महत्व रखता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन काफी इंपॉर्टेंस रखता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के साथ में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन वाला पार्ट और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन वाला पार्ट, ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है। इस पोर्शन पे आपको गौर करने की जरूरत है। देखिए यहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, परपेंडिकुलर एक्सेस, ये दोनों थ्योरम बोर्ड के नजरिए से, रिटन एग्जामिनेशन के नजरिए से काफी महत्व रखती है। इवन आप जब बात करें महाराष्ट्र सीटी की, नेट की और जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन की, तो जेडब्ल्यू मेंस की ना बात करते हुए महाराष्ट्र सीटी की और बोर्ड के बारे में अभी फिलहाल बात करेंगे, और नेट के लिए और जेडब्ल्यू मेंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो के बारे में डिस्कस करूंगा, और उसके बारे में आपको मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा यहां पर। तो यहां पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, परपेंडिकुलर एक्सेस, ये दो थ्योरम ऐसी थ्योरम है जिनसे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, बोर्ड्स में भी मिलते हैं, न्यूमेरिकल सेक्शन में भी मिलते हैं, महाराष्ट्र सीटी में भी आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। इसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं, और सीटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को भी मिल सकते हैं। देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इस टॉपिक में प्रेशर नाम के टॉपिक को रिड्यूस सिलेबस के अंतर्गत हटाया गया है। इस टॉपिक में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली थ्योरम, ये दोनों पोर्शन हटाए गए हैं। हाँ, अब आपके मन में वापस से सवाल, इसमें से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल एंड ड्रॉप्स, कैपिलरी एक्शन, क्रिटिकल वेलोसिटी कंसेप्ट, और साथ साथ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब, हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब नाम का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंस रखता है। आइए थर्ड नंबर चैप्टर के बारे में बात करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड रेडिएशन। एक बार फिर इस टॉपिक का वेटेज, अच्छा खासा वेटेज महाराष्ट्र सीटी के एग्जामिनेशन में देखा जाता है। भले ही बोर्ड में सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन मैं प्योरली सजेस्ट करता हूं कि जो बच्चा महाराष्ट्र सीटी में बेहतरीन स्कोर करना चाहता है, उस बच्चे को यह बात गांठ बांध लेनी है, यह बात अपने पास में दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको यह चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चैप्टर, थर्मल एक्सपांशन चैप्टर, यह चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि कम से कम दो क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा चार से पांच क्वेश्चन आपको देखने, चार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कम से कम दो क्वेश्चन में कह रहा हूं आप लोगों से। रेड पोर्शन रिड्यूस सिलेबस, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मेयर्स रिलेशन, यहां पर अब आपके मन में प्रश्न है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इक्वेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके बारे में काफी कुछ अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंसेप्ट, ये काफी कुछ बेहतर तरीके से पढ़ने की जरूरत है आपको। आरएमएस स्पीड के बारे में आपको जानकारी जरूरत होना जरूरी है। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के साथ साथ में रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू आती है और उसका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन आपको पढ़ने की जरूरत है बच्चों। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड रेडिएशन, इसी टॉपिक के अंदर आप देख सकते हैं कि एक और इंपॉर्टेंट जो लॉ होता है वो वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, किरचॉफ लॉ एंड थ्योरेटिकल प्रूफ, इसके ऊपर भी आपको बेहतर काम करने की जरूरत है, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन देखे जाते हैं, और फेरिस ब्लैक बॉडी नाम की ब्लैक बॉडी पर भी कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप देखिएगा थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, इसमें से काफी क्वेश्चन फ्रेम होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में, थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसे बहुत बेहतर ध्यान से पढ़ें, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और डिफरेंट टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। हाँ, यहां पर हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर हीट पंप आपको रिड्यूस सिलेबस के तहत 2021 में नहीं आने वाला है। ऑल्दो मैं आपको सजेस्ट करूंगा
कि यहां पर आप वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के सारे डेरिवेशंस पर अच्छे से वर्कआउट करें। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में वर्क डन वाला पार्ट यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जब इस बार हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर पंप से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है आपका वो डेफिनेटली इन सेगमेंट में से फ्रेम करने की पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए यहां पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी रिड्यूस सिलेबस के तहत इस बार नहीं पूछा जाने वाला है। कार्नोट साइकिल की बात करें, स्टर्लिंग साइकिल की बात करें, तो ये सब पोर्शन नहीं पूछा जाने वाला है। मतलब 4.11 का जो बाकी पोर्शन आपके पास में अवेलेबल है, अंदर वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन भी इसके बाद में नहीं पूछा जाने वाला है। देखिए ऑसिलेशन चैप्टर, ऑसिलेशन चैप्टर में रेफरेंस सर्कल मेथड का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है किताब के अंदर, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम जो है वो पार्ट रिड्यूस किया गया है, और साथ साथ में आपको डैम्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, फोर्थ ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस फिनोमेना ये नहीं पूछा जाने वाला है। देखिए फिर आपके मन में प्रश्न कि इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, एनर्जी वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़े। एनर्जी वाला पार्ट कई बार एग्जामिनेशन में मिला है। सिंपल पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम, ये ऐसा पोर्शन है जिससे क्वेश्चन फ्रेम होते ही होते हैं और होते आए हैं। कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, इस बार कंपोजिशन ऑफ एसएचएम को इस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बच्चों। डेरिवेशन प्रूफ करते समय कंपोजिशन ऑफ एसएचएम पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेरिवेशन के नजरिए से। आइए सुपरपोजिशन ऑफ वेव की हम बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इस बार हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। स्टेशनरी वेव काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्टेशनरी वेव से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बच्चों। साथ साथ यहां पर लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये सारे लॉ जो होते हैं बीट्स और एनालिटिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द बीट फ्रीक्वेंसी, ये दोनों पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। यहां पर ओवरटोन हार्मोनिक्स एंड करेक्शन, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए अब चैप्टर की शुरुआत होती है वेव ऑप्टिक्स की। तो वेव ऑप्टिक्स में जो रेड पोर्शन आपको बताया गया वो रिड्यूस पार्ट है, लेकिन कई बार जब क्वेश्चन फ्रेम हुए तो हाइगन थ्योरी से क्वेश्चन फ्रेम हुए, वेव फ्रंट के बारे में पूछा गया, हाइगन प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है। ब्रूस्टर लॉ एक ऐसा रामबाण है जिसे तैयार करना ही चाहिए। ब्रूस्टर लॉ कई बार आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहने की संभावना बनती है। देखिएगा यहां पर इंटरफेरेंस नाम का जो टॉपिक है, इंटरफेरेंस नाम का जो टॉपिक है, इसे आप बड़े ध्यान से पढ़ें स्टूडेंट्स। इंटरफेरेंस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। यंग डबल स्लिट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिस एक्सपेरिमेंट को कभी भी छोड़ के ना जाए, ये एक मात्र एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिससे कि क्वेश्चन फ्रेम होता है, मतलब होता ही है। और जिसको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है, वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद में बाकी के ऑलमोस्ट डेरिवेशंस कोरिलेट करके आसानी से लिख भी सकता है, क्योंकि डिफ्रेक्शन पैटर्न और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये दोनों के डिफरेंस में काफी कुछ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी पाई जाती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इसे ध्यान से पढ़िएगा आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक बार फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अपना वेटेज बरकरार रखता है और हमेशा इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक, ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है जिसमें इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की बात है, कंडक्टर इंसुलेटर फ्री चार्ज बाउंड चार्ज इनसाइड द कंडक्टर है, ये बोर्ड के नजरिए से हटा दिया गया है। इस साल सिलेबस में रिड्यूस कर दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट करंट हटा दिया गया है, वन डी ग्राफ जनरेटर हटा दिया गया है। लेकिन मैं कहूंगा स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डायलेक्ट्रिक एंड विद डायलेक्ट्रिक, इस पोर्शन को जरूर पढ़ें। इस पोर्शन से क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी फ्रेम होते हैं और थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन इंफाइनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण, यह चीज आपको पढ़ के रखने की जरूरत है। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की हम बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किरचॉफ लॉ अपना वेटेज हमेशा से बरकरार रखता आया है और हमेशा से इस चैप्टर में लीड ही करेगा, क्योंकि जब तक केवीएल केसीएल पे आपकी प्रॉपर कमांड नहीं है तब तक आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, देखिए आंख बंद करके कहता हूं कि पोटेंशियोमीटर पे इतना कमांड कीजिए, इतने डायग्राम याद कीजिए, इतना इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के ना पाए, क्योंकि पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज तीन ऐसे टॉपिक है जो आपके लिए वरदान है।
इस पूरे चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले टॉपिक है। इस चैप्टर की हम बात करें तो साइक्लोट्रॉन एक्सीलेटर, साइक्लोट्रॉन की मोशन, साथ साथ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमेशा से ऐसा टॉपिक रहा है जो कई बार पूछा जा चुका है। बायो सेवर्ट लॉ, इसे भी आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। बायो सेवर्ट लॉ के साथ साथ सर्कुलर आर्क, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग लूप, इसे जरूर पढ़ें। और एम्पियर्स लॉ, सोलेनॉइड और टोरॉइड, न्यूमेरिकल भी फ्रेम होते हैं और डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं, तो ना भूलें, इस पर कमांड करें, इन्हें लिखें, जो मैं आपको कह रहा हूं उन टॉपिक्स को बेहतर तरीके से नोट्स बनाएं और आपके स्कोर में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल में आपको मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और ये डेरिवेशन रामबाण डेरिवेशन होता है बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कई बार पूछा जा चुका है कई बार। और एक क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिएगा, कंपैरिजन बिटवीन डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म, ये जरूर तैयार करने की आपको जरूरत है। देखिए आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें फैराडेज लॉ ना भूलिए, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, दोनों लॉ को आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद में साथ साथ आपको मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जरूर प्रिपेयर करके रखना है ना। लेंज लॉ छोटे नंबर के लिए पूछा जाता है, कम मार्क्स के लिए पूछा जाता है, लेकिन पूछ लिया जाता है कई बार। सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमेना को ना भूलें, ट्रांसफार्मर और म्यूचुअल इंडक्टेंस इस बार आने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि इसमें से जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें जनरेटर हटा दिया गया है, और ये वाला पोर्शन जो आपके सामने है ये हटा दिया गया है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ स्टेशनरी कॉइल इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये बात ध्यान रखें स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं एसी सर्किट्स के बारे में। तो एसी में आपको जनरेटर, पावर और शार्पनेस और चोक कॉइल ये हटा दिया गया है, बट एलसी ऑसिलेशन को आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना है, रेजोनेंस फिनोमेना अच्छे से करना है। और एसी सर्किट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में एलसीआर सर्किट, एलआर सर्किट और एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन, ये तीनों टॉपिक आपको बेहतर तरीके से करने की जरूरत है। देखिए ड्यूल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में मैं हमेशा से कहूंगा ऐसा क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, हमेशा से डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको मिल ही जाते हैं, हमेशा 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 हमेशा, मतलब हमेशा मैं कह रहा हूं। आइंस्टीन पॉस्टुलेट, क्वांटाइजेशन थ्योरी, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसकी बात मैं कर रहा हूं। तो तीन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने मैंने डिस्कस किए हैं। यहां पर आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल बेहतर तरीके से पढ़ने की जरूरत है, डी ब्रॉगली का एक्सप्लेनेशन ये भी कई बार पूछा जाता है, और यहां लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा करने की जरूरत है स्टूडेंट्स। और जहां पर आपको रेड पोर्शन से बताया गया है, तो ये वाला पोर्शन रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, एटॉमिक न्यूक्लियस 15.7 और 15.7 के बाद का जो हिस्सा है 7.1, 7.2, ये सब चीजें नहीं आएगी। तो यहां रेड लग, मतलब जो रेड फर्स्ट टॉपिक हो चुका है, जैसे 15.7 है, तो आपको समझ जाना है 15.7 के सब टॉपिक्स जो हैं वो भी इस बार सिलेबस का हिस्सा नहीं रहने वाले। हाँ, महाराष्ट्र सीटी के नजरिए से आपको छोड़ने की जरूरत नहीं बच्चों, हाँ बोर्ड के नजरिए से आप ये टॉपिक एस्किप कर सकते हैं। देखिए लास्ट टॉपिक आपके सामने अवेलेबल है, सेमीकंडक्टर डिवाइस, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक टॉपिक रेक्टिफायर, पूछा जाता रहा है, पूछा जाता रहेगा, ये टॉपिक इस तरह का टॉपिक है जिससे हमेशा से क्वेश्चन फ्रेम होता रहा है। उसके बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहां पर रहता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में से कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन, इसे जरूर तैयार करके जाए। और फाइनली मैं एक बार कहूंगा, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एक ऐसा टॉपिक है जिससे किसी भी टाइप के कॉम्पिटेटिव, कोई भी टाइप की बोर्ड की एग्जाम्स हो, वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। लॉजिक गेट्स में से नैंड गेट, नॉर गेट और एक्सक्लूसिव और गेट कभी ना छोड़ें, और इन्हें हमेशा प्रिपेयर करके रखें। तो बच्चों, यहां मैंने अभी आपके सामने सिलेबस और स्ट्रेटेजी के बारे में बात की। देखिए आपके मन में जो चैलेंजेस हैं, जो मैंने शुरुआत में डिस्कशन किया था, अब आपके मन में एक प्रश्न ये आता है कि सर स्कोर कम क्यों होता है, कई बार ऐसा होता है। देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है आपके सामने कि कोई एक बच्चा बहुत अच्छा स्कोरर होता है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में, लेकिन वो थ्योरेटिकल मार्क्स अच्छे नहीं ला पाता है। कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमको दिक्कत होती है, बराबर है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर क्या अब 90 मार्क्स फिजिक्स में लाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। तो मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनिएगा, आपको सबसे पहली जरूरत जो करने की है कि एक ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा जो कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता है
लेकिन थ्योरी के एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। उसका सिंपल सा कारण है बच्चों, आपके लिखने की हैबिट छूट चुकी है, आपके लिखने की आदत छूट चुकी है, आपके बैठने की आदत छूट चुकी है। जब आप एक लंबे समय तक लिखकर बैठकर लिखते नहीं है तब तक आपकी राइटिंग एबिलिटी उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने की संभावना बन जाती है। और आप कई बार किताब पढ़ते समय ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आंसर्स प्रॉपर आने के कारण आपको लगता है कि आपको वो पोर्शन आता है, लेकिन बच्चों आपको क्या करने की जरूरत है, आपको सबसे पहले कोई भी चैप्टर शुरू करने की जरूरत है। चैप्टर निकालकर आप रजिस्टर्स लेके आ जाएं, उन नए रजिस्टर को लाके आप क्या करें, एटलीस्ट टू कलर के पेन यूज करें। उन पेन्स को यूज करने के बाद में जो भी चैप्टर की शुरुआत होती है उस चैप्टर की शुरुआत में आपको क्या करने की जरूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हां आपके मन में आ रहा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से, तो मैं इसके लिए लगेंगे इसके लिए मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके बारे में एक बार डिस्कशन भी कर लूंगा और बता भी दूंगा कि आप ये वाले क्वेश्चन प्रिपेयर करें और इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लें कि ये 10 क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जा चुके हैं। अब जब आप बुक की रीडिंग करना शुरू करते हैं बच्चों, तो बुक की रीडिंग शुरू करते हुए जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक शुरुआत की गई है, तो टॉपिक की शुरुआत करते हुए उस टॉपिक को जब आपने रीड किया तो अपने शब्दों में नोट्स बनाने की कोशिश करें। मतलब अगर वो आर्टिकल हाफ पेज का है तो हाफ पेज में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लिखना शुरू करें, समराइज करना शुरू करें। हर टॉपिक का नाम और उसके उसके छोटे छोटे पॉइंट्स में बनाए गए नोट्स, ये वो तरीका है जिससे आपका ब्रेन, आपकी आय, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका सब्जेक्ट पे ग्रिपिंग, ये सब चीजें लिखते 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 बेहतर होने लग जाती है। और बच्चों स्कोर बोर्ड के एग्जाम में अच्छा करने का सबसे बड़ा जादुई फॉर्मूला जो है वो ये है कि आपको डायग्राम भी वैसे ही एग्जाम में बनाने हैं जैसे कि डायग्राम आपको किताब में दिए गए हैं। क्योंकि कॉपी चेकर्स के पास में स्कोर, कॉपी चेकर जो भी जब कॉपी चेक करता है तो कॉपी चेक करते समय उनके पास में जो स्टैंडर्ड रेफरेंस आंसर्स होते हैं वो किताबों से ही होते हैं। तो किताबों के डायग्राम, किताबों के स्टेप्स, डेरिवेशन का वही तरीका जैसा कि किताब में दिया गया है, अगर डेरिवेशन का तरीका वही है जैसा कि किताब में दिया गया है तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। लेकिन वापस से वही बात, जब आपको आंसर्स आते हैं तो आप अपने तरीके से डेरिवेशन करना शुरू करते हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए आप नोट्स बनाना शुरू करें, खुद से नोट्स बनाएं। मार्केट में भले ही लाख कितने भी नोट्स मिल जाए या डाइजेस्ट मिल जाए, वो आपके लिए रेफरेंस हो सकती है लेकिन वो आपके नोट्स नहीं बच्चों, ध्यान रखिएगा, दोज आर नॉट योर नोट्स। तो आपको आपके नोट्स निकालने की गरज है। इसका एक और एडवांटेज, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज और होने वाला है, यही टॉपिक या यही नोट्स जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हीं नोट्स के साथ साथ में महाराष्ट्र सीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वर्कआउट करते चले, उसी चैप्टर के नीट के क्वेश्चंस को वर्कआउट करते चले और नोट के साथ साथ जहां जहां वो पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स को मार्क करते चले, उन पॉइंट्स को लिखते चले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में अटैच करते चले, जो कि आपके लिए एक रिविजन कॉपी बन जाएगी और इस तरह से आपका स्कोर बेहतर आने में मदद मिलेगी। अगले वीडियोस में मैं आपके साथ में आपके और भी बहुत से आने वाले मन में जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर लेकर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं और आगे जो भी आपको सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के लिए आप जरूर बताएं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद। अभी इस वीडियो के बेसिस पे स्ट्रेटेजिकली काम करना शुरू करें और बोर्ड की प्रिपरेशन इस तरह से करें जिस तरह से लिखें, ज्यादा से ज्यादा लिखें, लिखकर प्रिपेयर करें, नोट्स बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक MJ कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव